हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल बीएस सिविल इंजीनियर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा रेडिट से चुनाई होता है, अगर आपको उसमें निकालना हो कि कितना हमारा सीमेंट और सैंड लगेगा या जो भी आप अपना घर बनवाने जाते हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितना सीमेंट और सैंड लगेगा दीवार में, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे कि कितना सीमेंट और कितना सैंड आपके घर में लगेगा। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मान लीजिए कि हमारा ये जो दीवार है ये 1.5 मीटर ऐसे लंबाई है और 3 मीटर ऊंचाई है। जो हमारी दीवार की थिकनेस है वो 230 mm है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हमको इसका वैल्यूम निकालना है। वैल्यूम मतलब आयतन, जो भी हमारा दीवार है उसका सबसे पहले आप लोग आयतन निकालेंगे। पहला स्टेप ये रहेगा कि आयतन निकालना। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस, तो हमारा निकल जाएगा कितना MQ माल इसमें लग रहा है, इसका वैल्यूम निकल जाएगा। तो हमारी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर और थिकनेस कितना है हमारा, यहाँ पे थिकनेस दिया है 230 mm यहाँ फुट कर दिए, तो हमारा लमसम आ रहा है 1.035 MQ, जिसको हम लोग 1 MQ मान लिए। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, हमको फाइंड करना है नंबर्स ऑफ ब्रिक इन 1 MQ ऑफ ब्रिक वर्क। दोस्तों 1 MQ में हमें पता करना है कि कितना हमारा ईंट लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रिक का साइज है वो जान लीजिए, क्या हम जो फील्ड ब्रिक होता है उसका क्या साइज रहता है। दोस्तों एक तो साइज रहता है हमारा 190 × 90 × 90, ये हमारा दोस्तों स्टैंडर्ड साइज होता है, लेकिन जो हमारा फील्ड ब्रिक होता है उसकी साइज हमारी 230 mm × 115 mm × 75 mm रहती है। उसके लिए हम लोग निकालना है 1 MQ में कितना ईंट लगेगा। दोस्तों हम लोग पहले तो एक ईंट का हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम, तो हम लोग मोटर सहित लेंगे, ठीक है। 230 mm के जगह पे हम लोग 10 mm मोटर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 240 mm। 115 के जगह पे 125 हो जाएगा, 10 mm इसमें मोटर, 10 mm इसमें करेंगे तो हम लोग 75 के जगह पे 85 हो जाएगा। तो हमारा एक ईंट की जो हमारी आएगी वैल्यूम विथ मोर्टर आएगी कितना 0.00255 MQ। अब हम लोग को जब नंबर्स ऑफ ब्रिक निकालने रहेंगे तो क्या करेंगे कि टोटल वैल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जो ब्रिक वॉल मतलब जो हमारी दीवार है उसकी टोटल वैल्यूम, और उसमें भाग दे देंगे हम लोग एक ईंट का वैल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क बट्टा वैल्यूम ऑफ वन ब्रिक। 1 MQ हमारा ब्रिक वर्क आ रहा है, इसका पूरा वैल्यूम हमारा कितना आ रहा है 1 MQ, और उसमें भाग कितने के दे देंगे एक ब्रिक का वैल्यूम, तो एक ब्रिक का वैल्यूम हमारा इतना आ रहा है, तो इसमें भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 392, यानी इतने में हमारा 392 ईटा लगेगा। अब दोस्तों तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको मोर्टर कैलकुलेट करना है 1 MQ ब्रिक वर्क के लिए। तो जो हमारा एक्चुअल वैल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है वो कितना है 392, हम इसमें मोर्टर नहीं ले रहे हैं एक्चुअल ले रहे हैं, जो हमारे ईंट का साइज है 392, तो आपको पता है कि 392 ईंट लग रहा है, तो 392 में हम लोग एक्चुअल ईंट, जो एक्चुअल ईंट की साइज है कितनी है 230 × 115 × 75 mm, ये हमारा एक्चुअल है, तो इसमें हम लोग 392 में एक्चुअल जो वैल्यूम है ब्रिक की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बस ईंटों का जो आएगा वैल्यूम वो निकल आएगा, बस ईंट ईंट का, उसमें मोर्टर नहीं रहेगा, सीमेंट मोर्टर नहीं रहेगा, तो बस ईंट ईंट का कितना निकल जाएगा हमारा 0.777 MQ। अब क्या करना है, जो हमारा निकल के आया है ऐसे हमारा कितना आ रहा है वैल्यूम मोटर सहित 1 MQ, तो अब क्या करेंगे कि 1 MQ में से इतना घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हम लोग का ब्रिक वर्क है बस ईंटों का हम लोग वैल्यूम अगर माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कितना मोटर लग रहा है, कितना मसाला लग रहा है,
तो एक एम क्यू हमारा ब्रिकवर्क का टोटल वैल्यू में आ रहा है, उसमें से जो हमारा रेड ईटों का वैल्यू में आ रहा है कितना आ रहा है 0.77, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 0.23 एम क्यू। ये हमारा बस मोटर, इतना एम क्यू हमारा मोटर लगेगा। ठीक है, अब देखिए, फॉर फ्रॉग फिलिंग कट ब्रिक फॉर बॉन्डिंग एंड वेस्टेज ईटीसी। देखिए, जो उसके फ्रॉग होते हैं फ्रॉग भरने के लिए, तथा जो ईटे हम लोग काटते हैं उसको भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा आया रहता है मोटर की क्वांटिटी, उसको 15% हम लोग बढ़ा के लेते हैं। जो भी आप ईटा देखते होंगे तो उसके ऊपर ऐसे बना रहता है, ऐसे फ्रॉग बना रहता है, उसे फ्रॉग बोलते हैं। तो जो भी हमारा आय रहेगा उसके फ्रॉग के लिए हम लोग 15% इंक्रीज कर देते हैं मोटर की मात्रा। तो क्या करेंगे, 0.23 तो हमारा एम क्यू आ रहा है, प्लस 0.15 गुणे 0.23, 15% हम लोग क्या किए, इंक्रीज कर दिए। तो हमारा टोटल कितना मोटर आ रहा है, 0.264 एम क्यू। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर रिड्यूस बाई 25% व्हेन वाटर इज एडेड। दोस्तों, जो हमारा सूखा मसाला रहता है जब उसमें पानी हम लोग मिलाते हैं तो उसकी वॉल्यूम हमारी 25% रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जो हम लोग मसाला बनाते हैं, पर जो सूखा मसाला रहता है जब उसमें पानी मिलाते हैं तो उसकी वॉल्यूम 25% कम हो जाता है। तो हम लोग को ड्राई मोटर निकालने के लिए, ड्राई वॉल्यूम की मोटर निकालने के लिए, जो हमारा ये वेट मोटर निकला है, वेट वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर जो निकला है, उसमें हम लोग 25% इंक्रीज कर देंगे तो हमारा ड्राई मोटर मोटर की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो कितना निकल जाएगा हमारा, 0.33 एम क्यू हमारा हो जाएगा ड्राई मोटर। ठीक है, यानी ये समझ लीजिए कि जो भी हम लोग मसाला बनाते हैं सूखा मसाला, जब उसमें पानी मिलाते हैं तो जो भी रहता है, मान लीजिए 1 MQ रहता है, तो 1 MQ से 25% तो कम हो जाता है, यानी 25% रिड्यूस हो जाता है। तो अब जो हमारा 1 MQ माल के लिए मोटर जरूरी है कितना है, 0.33। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट सैंड का कैलकुलेशन कर लेंगे। जो हम लोग रेशियो रख रहे हैं ब्रिक वर्क के लिए, वो कितना ले रहे हैं, 1.1:6 का। ठीक है, तो आपको ये सब पता है क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क 1 MQ। ये हम लोग जो रेशियो ले रहे हैं 1:6 ले रहे हैं, टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 1+6=7 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ड्राइंग मोटर कितना है, 0.33 जो अभी निकाले हैं। अब जब सीमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जो सीमेंट की हमारी वो है, सीमेंट कितना है 1 है, बटा टोटल पार्ट 7 गुणे ड्राई वॉल्यूम कितना आ रहा है, 0.33, तो हमारा कितना आ जा रहा है, इतना एम क्यू सीमेंट की मात्रा, इतना एम क्यू आ जा रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक बैग जो सीमेंट होता है 50 kg का, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.035। तो जितना एम क्यू हमारा सीमेंट आ रहा है उसमें अगर हम लोग भाग देते 0.035 का, तो हमारा निकल के आ जाएगा जितना बैग लगेगा, कितना बैग आ रहा है हमारा, 1.34 बैग्स। यानी 1 MQ चुनाई में हमारा 1.34 बैग्स लगेंगे सीमेंट। सैंड की कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो सैंड का हमारा रेशियो है कितना है, 1:6, तो सैंड की मात्रा कितना है, 6, तो 6/ टोटल पार्ट गुणे ड्राई वॉल्यूम, तो हमारा कितना निकल आएगा सैंड, 0.283। दोस्तों, आपका सीमेंट कितना निकल के आया, 1 MQ माल में, 1 MQ ब्रिक वर्क में हमारा सीमेंट निकल के आया 1.34 बैग, लगभग डेढ़ बैग के करीब। और हमारा सैंड कितना निकल के आया, सैंड 0.283। तो दोस्तों, ऐसे हम लोग निकालते हैं किसी भी दीवार में, या आप अपना घर बनवाने जाते हैं तो ऐसे आप लोग अपने घर के लिए उसमें कितना मसाला लगेगा ब्रिक वर्क में, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो टॉपिक को भी मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो लाने की कोशिश करूं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले एक दमदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।